तो जब नए नए स्टूडेंट्स एंटर करते हैं यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए तो उनको आइडिया नहीं होता कि क्या करना है, कितने नंबर ऑफ मार्क्स हमको अटेन करने हैं, कितने नंबर ऑफ टोटल मार्क्स का पेपर होता है. सो यू नो इट इज इम्पोर्टेंट कि आपको इन सब चीजों का आइडिया हो. अब सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि आईएएस बनने के लिए आपको ये तो पता है कि आईएएस बनना है, बट आपको ये भी पता होना चाहिए कि आईएएस बनने के लिए कितनी रैंक आनी चाहिए, राइट? सो अगर मैं बात करूं कैटेगरी वाइज, तो अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं तो करीबन आपका 85 to 90, आप 5 ऊपर नीचे लगा लीजिए, करीबन आपका 90 आपकी रैंक आनी चाहिए. अगर मैं बात करूं ओबीसी कैटेगरी, तो ओबीसी कैटेगरी के लिए करीबन 300, एंड अगर मैं बात करूं आपका एससी कैटेगरी, तो उसके लिए आप करीबन लगा लीजिए 450. अब बात यह आती है कि इतना डिफरेंस जो है वो क्यों है. सी, जैसा कि मैं बोलती आई हूं और दोबारा बोल रही हूं कि एक एक नंबर से आपकी जो रैंक्स हैं वो बदल जाती हैं, तो एक नंबर से करीबन आपकी 10 रैंक आपके हाथ से फिसल जाती हैं. तो आप लगा के चलिए कि अगर एक नंबर से 10 रैंक फिसल रही हैं, तो 10 नंबर से करीबन आपकी 100 रैंक आपके हाथ से निकल गई. सो एवरी सिंगल मार्क इज इम्पोर्टेंट फॉर योर यूपीएससी प्रिपरेशन.